राज्य के एकमात्र पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय दाऊश्री वासुदेव चंद्राकर में आज 20 से 22 अप्रैल तक रिसेंट एडवांस इन डायग्नोस्टिक थेरेप्यूटिक एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ऑफ कैनाइन विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। यह संगोष्ठी इंडियन सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ कैनियन प्रैक्टिस तथा पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश विदेश के लगभग 200 से 250 पशु चिकित्सकों एवं वैज्ञानिकों की सहभागिता रही। इस सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, क्षितिज चंद्राकर, कुलपति कर्नल डॉक्टर एनपी दक्षिणकर की अध्यक्षता, प्रोफेसर नरेश एच केलावाला कुलपति कामधेनु विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात, डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष भारतीय पशु चिकित्सा परिषद नई दिल्ली के विशिष्ट आतिथ्य में प्रारंभ हुआ। दुर्ग जैसे शहर में हम देख रहे हैं कि पेट कीपिंग तो है, इसके साथ में डिलीवरी सिस्टम जो है, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट, और हमारे जो भाई लोग इस विषय से जुड़े हुए हैं उनका अपडेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस इतना रैपिडली ग्रो हो रहा है, उसके साथ में उस रफ्तार से हमको भी चलना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हम समाज की अच्छे तरीके से सेवा कर सकें। उसी दृष्टि से ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है, और इस कॉन्फ्रेंस में एक खूबी यही है कि संपूर्ण विषय इसमें अंतर्भूत किए गए, ताकि हमारे जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, जो फील्ड लेवल में लोग जो काम कर रहे हैं, उनको इसका लाभ मिले, और अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो हेल्थ केयर के ऊपर। ये कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, ये डॉग्स के बारे में जो हो रही है, उनके थेरापेटिक मैनेजमेंट के बारे में हो रही है, ट्रीटमेंट के बारे में, इसको बेसिकली जो अटेंड करने वाले लोग हैं करीब 300 लोग हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री, जो है करीब 14 स्टेट से लोग आ रहे हैं सर। और उसके अलावा बताया आपको, जैसे मैंने कि रोमानिया से 2 लोग आ रहे हैं और नेपाल से 4 लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे 3 दिन में पूरे जो डॉग की बीमारियाँ हैं, उसके अलग अलग तरह की बीमारियाँ और नई नई जो बीमारियाँ हैं, अब उसके बारे में मंथन होगा। डॉग के बारे में कहा जाता है कि सबसे वफादार अगर जो होता है एनिमल, वो डॉग होता है। डॉग से हमको सबसे सबसे संतोषी जानवर जो होता है वो डॉग होता है, और फैमिली मेम्बर तो ही है, और आपके लिए सबसे वफादारी में कि आपके लिए जान देने के लिए, आपने देखा भी होगा कई बार कि भूकंप आता है, पता लगा डॉग मालिक मर जाता है, लेकिन डॉग वहीं का वहीं खड़ा रहता है जब तक कि मालिक की लाश नहीं आती। तो ये सबको, चूँकि फैमिली मेम्बर हो चुका है, उसको कुछ भी बीमारी होती है छोटी बड़ी, तो जो हमारे कुलपति जी ने बोला कि जो जितने भी ह्यूमन में जो डायग्नोस्टिक के टेक्निक्स है, जो एक्सरे की बात कर रहे थे, जो सोनोग्राफी की बात कर रहे थे, एंडोस्कोपी होता है, MRI, CT स्कैन, ये सब कुछ अब आज की डेट में बैटरी में होता है, हमारे हॉस्पिटल में ये सब उपलब्ध है, और उनके इलाज के लिए कि कोई भी गंदी छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी हो। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।